वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी मुस्कान एंड आई एम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो बेसिकली दिस गोना बी अ हॉल वीडियो ऑफ माय ज्वेलरी कलेक्शन. आई नो दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग वीडियो एंड आई नो यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी हॉल्स क्योंकि कलरफुल ज्वेलरीज किसको पसंद नहीं होती है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रियली वॉन्टेड टू विश यू ऑल अ सेफ एंड हैप्पी होली. और ये वीडियो जब तक लाइव होगी ये तब तक होली आ चुकी होगी. सो या without wasting the time let's directly jump into the video. okay so in this video I'm going to show you my interesting and beautiful jewelries that I have bought recently from chandni chowk. so aap sabko pata hai ki chandni chowk mein kitni sari varieties milti hai clothes ki plus वहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. सो इस बार मैंने वहीं से अपनी ज्वेलरीज खरीदी है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वहाँ पे ज्वेलरीज मिलती है. सो आई विल शो यू माई कलेक्शन इन टूडेज वीडियो. आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या वहाँ से खरीदा चांदनी चौक से. और वहाँ पे इतना सारा कलेक्शन था आई कांट इवन टेल यू कि वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर प्रिटी प्रिटी ज्वेलरीज थी. इतनी कलरफुल जो भी आपको कलर चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पे. प्लस जो भी हम देखते हैं ना डिजाइनर ज्वेलरीज प्लस वहाँ पे सभ्यसाची की ऋतु कुमार मतलब बहुत ही सारी डिजाइनर्स की बहुत फेमस ज्वेलरीज थी जो आपको एकदम फर्स्ट कॉपी में एकदम ब्यूटीफुल सी और रियल ज्वेलरी मिल जाएंगी वहाँ पे. और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी एज कम्पेयर टू द रियल अमाउंट ऑफ द डिज़ाइनर्स ज्वेलरी. सो और मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज ऐसी भी देखी थी जो कियारा आडवाणी ने पहनी थी अपनी वेडिंग में, अनुष्का शर्मा ने पहनी थी. तो वो सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इतनी सुंदर ज्वेलरीज मुझे इतने अफोर्डेबल रेंज में कैसी मिल रही है. सो आई विल शो यू माई ज्वेलरीज जो मैंने खरीदी आज. और वो सारी डिज़ाइनर ज्वेलरीज है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने पहनी है या फिर हमने देखी होंगी ज़रूर. सो या फिर कुछ सिमिलर सी है. सो आई विल शो यू ऑल ऑफ देम. सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आई विल शो यू माई फर्स्ट ज्वेलरी. वेरी फर्स्ट ज्वेलरी डेट आई एम गोइंग टू शो यू इज दिस ज्वेलरी डेट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. और आप देख सकते हो कि ये कितनी प्रिटी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है. प्लस इसमें पता नहीं शायद से इसमें मिरर वर्क है छोटा छोटा सा तो उससे बहुत ज़्यादा शाइन कर दे जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस पर. और आप देख सकती हो कि कितनी प्रिटी लग रही है. तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कितनी प्रिटी ज्वेलरी थी जो मैंने अभी पहने हुए हैं इयर रिंग्स. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे थे. सो ये मेरे को इयर रिंग्स 300 के अराउंड मिले थे और मुझे एग्जैक्ट अमाउंट किसी का भी याद नहीं है. सो ये आई डोंट थिंक सो कि 300 रुपीज़ में ये बिल्कुल भी ज़्यादा है जिस तरीके से लग रहा है. आई डोंट थिंक सो कि कैमरे में अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं पर ये रियल में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं. और 300 रुपीज़ के अराउंड तो कम भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा. आई डोंट रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट बट मुझे नहीं लगता कि 300 रुपीज़ इसके लिए ज़्यादा हैं क्योंकि इतने सुंदर इयर रिंग्स हैं और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाली. प्लस पॉइंट तो यही है इसका कि बहुत टाइम तक चलने वाले हैं प्लस इतने सुंदर है तो हमको क्या ही चाहिए. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज दिस ब्यूटीफुल सी इयर रिंग्स. एज यू कैन सी आप देख सकते हो कि कितने क्यूट लग रहे हैं एकदम छोटे छोटे से. नहीं ये थोड़े से बड़े हैं बट एकदम बिल्कुल इतने लॉन्ग नहीं है मतलब ये है बिना कहने का हैंगिंग इयर रिंग्स नहीं है. प्लस इतने सुंदर लग रहे हैं ये टॉप्स की तरह लग रहे हैं और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे. आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस कि ये कितने क्यूट है. और आप इन पे वर्क देख सकते हो कि इस पे कैसा वर्क हुआ हुआ है. आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे. और ये सिर्फ मेरे को 150 रुपीज में मिले और ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे. सो डेट्स व्हाई आई बॉट दिस. चांदनी चौक में आप ऐसे कई सारे इयर रिंग्स देख सकते हो अपने लिए किसी भी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग के या कुछ भी आप खरीद सकते हो. कोई भी कुंदन के इयर रिंग्स हो या हैंगिंग इयर रिंग्स हो वट एवर यू आर लुकिंग फॉर यू कैन बाय इट फ्रॉम चांदनी चौक और आपको अपने मनपसंद इयर रिंग्स मिल जाएंगे फॉर श्योर. ये मेरी गारंटी है. और ये 150 रुपीज़ में मुझे बहुत वर्थ इट लगे. सो दिस इसलिए मैंने ये खरीद ली. मुझे कोई मैचिंग करनी थी ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा कुछ नहीं था बट ये मुझे क्यूट लगे तो मैंने इसलिए खरीद लिया. और ये ऐसे इयर रिंग्स है कि आप कहीं भी पहन सकते हो किसी भी ड्रेस के अकॉर्डिंग चल जाएंगे सबके ऊपर. सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी. ओके सो नेक्स्ट ज्वेलरी इज दिस क्यूट इयर रिंग्स. एज यू कैन सी कि कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं प्लस एक्सपेंसिव लग रहे हैं. इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो एक्सपेंसिव होंगे ही होंगे बट आप देख सकते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने ज़्यादा स्पार्कली से हैं. मुझे ये बहुत ही सुंदर लगे थे. आप देख सकते हो कितने
बड़े बड़े हैं और कितना अच्छा लुक लग रहा है इससे। सो आई गॉट दिस फ्रॉम चांदनी चौक और ये मेरे को मिले थे आई थिंक 400 अराउंड, क्योंकि ये इतने सुंदर और इतने बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ह्यूज हैं ये, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है। तो ये मेरे को 400 के अराउंड मिले था आई थिंक, सो 450 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। सो 400 तो आप इनको मान के चलो कि 400 के तो है, और आप इन पे देख सकते हो कि कितना सुंदर वर्क हुआ हुआ है इस पे। तो ये मेरे को बहुत ही प्रिटी लगे थे इसलिए मैंने ये खरीदे थे, प्लस मुझे एक अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी चाहिए थे, तो ये उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। और आप देख सकते हो इसमें गोल्डन प्लस सिल्वर वर्क दोनों है, तो अगर आपकी ड्रेस पे गोल्डन वर्क है सिल्वर वर्क है तो दोनों पे ये एकदम अच्छे से जाने वाले हैं और अच्छे से मैच होने वाला है। सो यू कैन बाय दीज काइंड ऑफ इयर रिंग्स जिसमें गोल्डन सिल्वर वर्क दोनों, तो वो दोनों पे वर्क करते हैं। सो इसलिए मैंने ये खरीदे और ये मुझे 400 में मिले थे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज द ज्वेलरी सेट। ओके, तो वो पूरा सेट होने वाले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, सो आप ये जो मैं आपको ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ, ज्वेलरी सेट है ये, इसके साथ आपको पूरा नेक पीस मिलेगा, इयररिंग्स मिलेंगे, टीका भी मिलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको इयररिंग्स चाहिए सिर्फ या टीका चाहिए नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी होती है कि आपको टीका सेट भी चाहिए या फिर इयररिंग्स और नेक पीस चाहिए। सो दिस इज द ब्यूटिफुल एंड ट्रेंडी नेक पीस दैट यू कैन सी राइट हेयर, और आप देख सकते हो कितनी प्रिटी है ये, और आप इस पे डिटेलिंग देख सकते हो कितनी अच्छी हुई है। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा चांदनी चौक से जब भी आप खरीदोगे, कि कई बार ऐसा होता है हम कोई भी नेक पीस खरीदते हैं तो उस पर ऐसे ज्वेलरी वर्क जो होता है यहाँ पे कहीं पे ऐसे मोती होता है, कहीं हट जाता है या कुछ भी हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, बट आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी चांदनी चौक से जब भी आप खरीदोगे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कियारा आडवाणी ने अभी रिसेंटली शादी करी है, तो उसने अपनी वेडिंग में ऐसा ग्रीन कलर का सुंदर सा नेक पीस पहना था जो इतना सुंदर लग रहा था। बट आई विल शो यू कि ये कैसा लग रहा है। दिस इज द होल लुक, नाउ यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है। और ये ग्रीन कलर इतना ट्रेंडी है इस टाइम पे, इतना सुंदर लगता है कि अगर आपके कोई भी कलर के कपड़े हो ना, आप उसके साथ कंट्रास्ट में ग्रीन कलर का ऐसा नेक पीस पहन लो एंड यू विल गोना किल इट। मेरे को अपने इस कुर्ती के ऊपर भी इतना सुंदर लग रहा है, प्रिटी लग रहा है क्योंकि कंट्रास्ट में, सो आई रियली लव इट। कलर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और ये मेरे को आई थिंक सो 800 समथिंग मिला था, पूरा सेट 800 के अराउंड मिला था, 800 टू 1000 के अराउंड मिला था ये मुझे सेट, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी अच्छे से डिटेलिंग करी हुई है, देख सकते हो आप कितने अच्छे से डिटेलिंग हुई हुई है इस पे, तो आई रियली लव इट। और इसको मैं एकदम 5 में से 5 मार्क्स दूंगी क्योंकि मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, पूरा लुक इसका बहुत अच्छा है। इसके साथ हमको ऐसे इयर रिंग्स भी मिले हैं क्यूट क्यूट से, छोटे छोटे से, दिस इज द इयर रिंग्स। आपको क्या लगता है कि ये वर्थ इट है या फिर नहीं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप देखते हो कि बैंगल्स भी आजकल गर्ल्स जब बैंगल्स पहनती हैं तो वो भी कंट्रास्ट में पहनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई रियली लव दिस वन। आई डोंट थिंक सो कि 800 to 1000 रुपीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा है, आई थिंक सो दिस इज़ अ मिनिमल रेंज जिसमें पूरा ज्वेलरी सेट आता ही आता है, सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड रेंज। सो आई विल शो यू द नेक्स्ट ज्वेलरी सेट। ओके, सो दिस इज माय नेक्स्ट एंड लास्ट ज्वेलरी सेट। एज यू कैन सी कि इस पे कितनी क्यूट सी ये हैंगिंग से मोती लगे हुए हैं, ऐसे ही मैंने वेयर कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है और कितना ज़्यादा कंट्रास्ट में एकदम डार्क टोन दे रहा है मेरे ड्रेस को, मेरे आउटफिट को थोड़ी इन्हेंस कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके साथ बैंगल्स पहन लूँ इसी कलर के तो कितना ब्रिटी लगेगा। ओके, सो ये इयर रिंग्स भी मुझे इसी सेट में मिले हैं, आप देख सकते हो कितने क्यूट से छोटू छोटू से इयर रिंग्स है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मुझे दिया हुआ है यहाँ पे इयर रिंग्स में। और आप देख सकते हो कि मेरे को ये टीका भी मिला है इसके साथ ही, और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी से ही रेडी हूँ जाने के लिए किसी भी फंक्शन में, इतना अच्छा लुक लग रहा है। और आप देख सकते हो बिल्कुल गर्लिश लुक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस इसके साथ जो ये टीका दिया है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है मेरे पूरे गेटअप को, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। दीज आर माई
all the jewelry sets that I have already shown you. So what do you guys think about my jewelry collection till now? और मेरे पास और भी ज्वेलरीज हैं जो मैंने खरीदी है कृष्णा नगर से, कमला नगर से और लोकल मार्केट से, बट चांदनी चौक की ज्वेलरीज जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दिखा दी है इस वीडियो में. और ये सारी ज्वेलरीज मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, कुछ कुछ मैंने अभी भी खरीदी है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मुझे लगती हैं, प्लस बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी. सो आई रियली लव देम ऑल. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने लिए भी कुछ पसंद आया होगा जो आप खरीद सकते हो चांदनी चौक से सिमिलर चीज़ें. और ये सारी ज्वेलरीज जो मैंने खरीदी हुई है ये मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिज़ाइनर को देखी है, फिल्म स्टार को देखी है पहने हुए. सो ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली ज्वेलरीज, और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छी है. सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज रियली इन्जॉयड एंड आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा बिकॉज यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ ज्वेलरी सेट, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो. सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बाय बाय.